Hari Hiro. Sri Paramatmane Namaha. Pavitra Kartika Masara Adya Subha Sakal ko apan manku swagat ma mane baba mane apan mane sundar bhav re shravan karuchanti pavitra Kartika Masara Mahatmya jati Kartika Mahatmya bali kuhajanti Pavitra Ekartika Masa Asava Karibahavisa Suniva Kartika Mahatma Sundar Bhavare Kauchanti Sakhi Mane He Sakhi Ame Nuha Kartika Masa Re Kebala Je Buddha Au Buddha Mane Havisa Karibe Tahabe Thik Nuha Pratyeka Vyakti सकाळ उठला परे स्नानादि परांते प्रातः स्नान करिबे भोरु पाहांती पहरु मामने आपन स्नान कले मन पवित्र होइथाय निर्मल हे जायथाय काहे कि ना ए समय रे जल रे पवित्रता थाय तेनु पवित्र जल रे स्नान कले आपन कर मन पवित्र होबो एवं शरीर पवित्र होबो तथा से दिनटी आपन कर पवित्रमय हेइ जीवो तब एति पई पवित्र कार्तिक मासरी शास्त्र कार माने उपस्थापन करी चंती आमे भोर जतबे फकुआ तारा बा कुआ तारा संती सेही समय रे गा गही रे मा माने एवं हबिस करथिबा हबिस हबिसियाई मा माने समस्त उठी आज स्नान करी थांती बुलो पकई थांती जलाशय काहे कि ना सेतबे ए पवित्र कार्तिक मासरी प्रत्येक जलाशय रे मा गंगांकर प्राकट्य हि थांती तेणु प्रत्येक जलाशय ए पवित्र कार्तिक मास मध्य पुण्य तो या गंगा ठारु भी कम नही न थाल तेणु ए मास रे आज आमे श्रवण करू छे कोन ना कार्तिक महात्म्य काहे कि आमे कार्तिक महात्म्य सुनिबा आमे काहे कि कार्तिक मास रे हबिस करिबा एवं हबिस कले पुण्य कोन बा मनुष्य को लाभ कोन मिलबो ए महात्म्य को श्रवण कले आमे एथु पाइ परिबा कहीं कि ना ये शास्त्र का परमात्मा ये उद्देश्य लिखी चलती जीव परमार भेटा भेटी पाई ये अष्टादश पुराण जीव परमार भेटा भेटी हेले पुराण डा अकारण भगवान मुखारविंद रे कहिले रे जीव ये शास्त्र होची मनुष्य को तैयारी करिवार एक सूत्र ये शास्त्र शास्त्र रे केवल मनुष्य तयारी करबा पई सूत्र गुडा को लेखा जाय छंती जदि आमी एकार्तिक महात्म्य सुनिबा ताले आमी जने सच्चा मनुष्य रे उपस्थापित हो परिबा जने सच्चा मनुष्य हि परिबा एवं पवित्रता आम भितरे बजाय रहबो तनु ये 12 मास भितरे अध्य मास को निरखंड करा जाय छंती काहे कि ना एई मास रे गंगा प्रतीक जलाशय रे प्रकट हि थांती गंगा यांच जळे मुक्ति वाराणस्या जळे स्थळे चंतरिखे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमी मुक्ति श्री पुरुषोत्तमी आज आप जदि जीवा अद्य दिन रे परमात्मांकर सुंदर कथा विस्तार को जदि प्रवेश करिबा गंगा रे मां माने बाबा माने स्नान कले मुक्ति अछि शास्त्र कहंती तेणु वाराणसी जगह स्थले वाराणसी के जगह रे मुक्ति एवं स्थल रे मुक्ति किंतु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जय स्थले अंतरिके अत्र तत्र सर्वत्र मुक्ति रो स्वाद आमे माने जानि परिबा अनुभव करि परिबा सेति पई ओडिसा रो मौरमणि राजा श्री जगन्नाथंकर मुखारविंद को दर्शन करी से राई दामोदर भाव रे मध्ये उपस्थापित होंती ताकि दर्शन करिबा पई अनेक हविष्यात मरि रहितिबा हविष्यारी मां माने श्री क्षेत्र धाम यात्रा करि थांती अपर पार्श्व रे यात्रा करूछंती राक्षस माने परे ना स्वर्ग प्रभु काई कि ना युद्ध यात्रा करिबा युद्ध करिबा पई देवता मानक सहित जेतबेले पहुंची गले देवता मानकर आलय देवपुरी जेतबेले पहुंची गले राक्षस माने देवता माने भीतरस्थ हेले तत्पूर्व गोटे चिट्ठी लिखिला कृष्ण जगन्नाथ
सुंदर चिट्ठी लिखिला कहला हे सचिवपति इंद्र मोर यथाविधि मान्य नेब राजा जगंदर थिला महाज्ञानी राजा जगंदर थिले महाज्ञानी कहले हे इंद्र तमे मोर महामान्य नेब यथाविधि ए पत्र को घेन हे तमे ए पत्र टिकि यथाविधि भाव रे ग्रहण करी मो कथार उत्तर दब इंद्र पद छारो एवं राक्षस समान को स्वर्ग रे रहिबा पाई व्यवस्था करि दियो तुम सहित युद्ध हबो नाही दूत चिट्ठी नेकरी भगवान के पाखरे पहुंचला जेतबे चिट्ठीटा पढिले ना देवादि देव इंद्र मनरासा अहंकार काहिक ना इंद्र प्रत्येक मुहूर्त रे कातुर्य भीतर रही निराश व्यसन भीतर रही अहंकार को प्रतिपादित करि आछन जे अनेक शास्त्र कहिछंती इंद्र को द्वारा अनेक जगह रे भूल हुई अछंती जेतबे दूत को असाइन व्यवहार करले देवादि देव इंद्र प्रत्यावर्तन करी दूत राजा जगंदर को सहित परामर्श करिबा परे देवता मान को सहित हला युद्ध आज सुंदर भाव रे युद्ध होउछि आउ एभवि युद्ध बहुत ही ब्रह्मांड रे केबे भी हेई नथिला सुनिमा सुजन जन देहि मन कर्ण स्वर्ग पुरे देवता ओ राक्षस विधान जेउं भवि भावे सेठी युद्ध पुणि हेला आकरु तो यही नेत्र देखी जे नथिला एभय जो युद्ध हैला सर्वपुर रे एमितिका युद्ध ये नेत्र के बाद देखी नथिला तेनु उभयक भीतर युद्ध हवा परे राक्षस माने मरुछंती देवता माने मते मरुछंती मात्र देवता माने अमृत खाइथि बालु से माने पुनर्बार जीवन दान पाउथांती मात्र राक्षस मानो को रात्र समय रे शुक्र मुनि संजीवनी पाठ करी सेमान को मते जीवित करू थांती तेन परिशेष रे जणा पड़िला जे देवता माने हारु नांती कि राक्षस माने मध्य हारु नांती आगो को आसी छि जगंधर एवं इंद्र को सहित युद्ध करी इंद्र को परास्त करी छि देवता माने जाय रुचि छथि अस्कंद वन रे जाउ ना काई कि असंता काली एई जगह सुंदर भाव रे आमे महात्म्य को श्रवण करबा आज पाई समय हिचंती जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।